आई टू फैमिली आपका स्वागत है बबीता किचन में। आज हम बनाने शकलगंजी की चाट। मैंने शकलगंजी ले ली है, उसको बॉईल करके साफ कर लिया है। मैंने पानी डाल के नहीं बॉईल करी, ऐसे ही तेल लगा कर बॉईल करी है। अब इसको ऐसे करके पीस करके कट करूंगी इस तरीके से। ऐसे कट कर लेंगे इस तरीके से। मैं हरी चटनी जो मैंने धनिया से पीस के रख रखी थी वो डालूंगी इस तरीके से। चटनी सभी चीज़ में हो जाने चाहिए। चटनी धनिया के चटनी बहुत अच्छी लगती है इसके साथ, क्योंकि चटनी हम डालेंगे इमली की चटनी इस तरीके से। डालेंगे चाट मसाला इस तरीके से। हम डालेंगे अनार, अब हमारी शकलगंजी की चाट बनके हो गई तैयार। हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।